मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारतीय जनता पार्टी ने आज विधानसभा का घेराव किया। पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेंद्रनाथ सिंह के नेतृत्व में यह घेराव किया गया। बीजेपी की मांग है कि फेरी वालों का रोजगार छीनने के लिए और बढ़े हुए बिजली बिल के लिए कमलनाथ सरकार जिम्मेदार है। हाथों में बिजली के बिल लिए ये महिलाएं कमलनाथ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। पूर्व बीजेपी विधायक और जिला अध्यक्ष भोपाल भाई सुरेंद्रनाथ सिंह के नेतृत्व में विधानसभा घेराव करने के लिए गुमटियां लगाकर छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले व्यापारी, जिनकी गुमटियां नई सरकार आते ही हटा दी गई हैं और संबल योजना के तहत शिवराज सरकार द्वारा 200 रुपए में बिजली देने की योजना को फिर से लागू करने के लिए रंग महल चौराहे से विधानसभा का घेराव करने निकले हैं। इस दौरान बीच में पुलिस ने बीजेपी नेताओं और उनके साथ घेराव करने आई महिलाओं को रोक दिया। इसके बाद पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेंद्रनाथ सिंह ने कहा कि कमलनाथ सरकार गरीबों के पेट पर लात मार रही है। के अंदर भैया कांग्रेस की सरकार जो है भूखों को मारना चाहती है। हजारों घूमी वाले, खेली वाले और जो फेरी गलाते हैं उनके धंधे चौपट कर दिया है। और झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों, जिनको शिवराज जी ने कहा था कि 200 रुपए बिजली का बिल आया, वहाँ 20,000-25,000 गरीब बेचारे मरेंगे कि नहीं मरेंगे, ये नौबत है। और आज हमारा टेलर है, चारों तरफ प्रदर्शन हो रहा है। सीएम हाउस में भी लोग गए, बल्ला भवन में भी, विधानसभा चारों तरफ से लोग आज घेराव कर रहे हैं। अगर ये सरकार नहीं मानी तो हम कमलनाथ के घर के अंदर बैठ के चाय पियेंगे और वहाँ चाय बनाएंगे, बल्ला भवन में चाय बनाएंगे, सारे कमरों के अंदर कब्जा कर लेंगे। भारत माता की जय। पूर्व जिला अध्यक्ष बीजेपी सुरेंद्रनाथ सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कमलनाथ सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वह मंत्रालय में प्रमुख सचिव कार्यालय और सीएम हाउस में धरना देंगे और पकौड़े तलेंगे। इस दौरान सुरेंद्रनाथ सिंह ने यहां तक कह दिया कि गरीबों के पेट पर लात मारने वाली कमलनाथ सरकार ने जल्द ही कोई फैसला नहीं किया तो सड़कों पर खून भी बह सकता है। आपको बता दें कि कमलनाथ सरकार ने संबल योजना के तहत 200 रुपए में मिलने वाली बिजली को 100 रुपए में 100 यूनिट कर दिया है, लेकिन बेतहाशा आ रहे बिलों से परेशान लोग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो गए हैं। फिर साक्षी न्यूज नेटवर्क के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ल की रिपोर्ट।